लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट नामांतरण विवाद के बीच बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने NMMC मुख्यालय को छत्रपति संभाजी महाराज का नाम देने की मांग की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता मंदा मात्रे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने ही हिंदवी स्वराज और राष्ट्रीयता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, इसलिए यदि उनका नाम नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय पर दिया जाता है तो नई पीढ़ी को संभाजी महाराज के योगदान और उनके इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। बीजेपी विधायक ने CM, डिप्टी CM और मनपा आयुक्त को निवेदन देकर नामकरण पहल करने की अपील की है। जाहिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही नवी मुंबई मनपा मुख्यालय पर संभाजी महाराज का फलक नजर आएगा। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन के बीच अब नवी मुंबई मनपा मुख्यालय के नामकरण की मांग उठ गई है। आज बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने बेलापुर के मनपा मुख्यालय को छत्रपति संभाजी राजे महाराज का नाम देने की मांग की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेलापुर की बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र छत्रपति संभाजी राजे ने धर्म और राष्ट्रीयता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे में मनपा मुख्यालय को यदि उनका नाम दिया जाता है तो इससे नई पीढ़ी को संभाजी राजे महाराज के अतुलनीय योगदान और इतिहास दोनों को समझने में आसानी होगी। मंदाताई मात्रे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डिप्टी CM अजीत पवार, नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को निवेदन देकर इसके लिए जरूरी पहल करने की मांग की है। जाहिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ग्रीन बिल्डिंग NMMC मुख्यालय पर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम दिखने लगेगा। आइए सुनाते हैं मंदाताई मात्रे ने और क्या कुछ कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका का जो मुख्यालय एक छोटी चीज है नवी मुंबई की, जो अपने गुलाब के फूल जैसी है, उनको धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम देने के लिए मैंने डिमांड की है। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब है, आदरणीय अजीत दादा पवार है उप मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र जी फडणीस है और सभागृह के अध्यक्ष सचिव और अपने नवी मुंबई पालिका के अभिजीत बांगर जी, उनसे भी मैंने कहा है कि अपने को ये नामकरण हम करेंगे ना, आने वाली अगली पीढ़ी को छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज का इतिहास पता होगा, जिन्होंने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से भी अच्छी कारकीर्द उन्होंने की है, उनका भी योगदान सबसे बड़ा है इस राज्य के लिए, तो उनका नाम होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने मांग की है। जब हम कोई एक चीज को नाम देते तो हम पूछते हैं उसका इतिहास लोगों तक जाएगा, हमारी जितनी भी पालिका की लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में उनका बुक रखा जाएगा और उनसे बच्चों को पता होगा छत्रपति संभाजी महाराज कौन है। दूसरी बात ऐसी है कि नवी मुंबई पालिका क्षेत्र में जिसको कोई अता पता नहीं ऐसे लोगों का नाम दिया गया है, रास्ते में, कोई संस्था में, कोई रोड पे, कोई गटार पे, कोई शौचालय में, जिनका नवी मुंबई से कोई लेना देना नहीं है, जिनके माँ बाप कोई नवी मुंबई में उनका योगदान भी नहीं है, वो आकर भूमि पुत्र भी नहीं आधे लोग, उनके नाम रास्ते को दिए गए हैं। तो ये तो राजे थे, ये छत्रपति राजे थे और इनका नाम आने से मुझे नहीं लगता है कि नवी मुंबई में किसको दिक्कत होगी। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटिल, विजय घाटे, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले और APMC भाजी मंडी के संचालक शंकर पिंगले खास तौर पर मौजूद थे। सभी नेताओं ने मनपा मुख्यालय को छत्रपति संभाजी राजे का नाम देने मंदाताई मात्रे की मांग का समर्थन किया और इसे नई पीढ़ी के ऐतिहासिक प्रबोधन के लिए जरूरी बताया। धर्मवीर संभाजी राजे का जो इतिहास है वो इतिहास बहुत सारे हमारे आने वाले भविष्य को मालूम नहीं है, भविष्य को इनके बारे में ये कार्य के बारे में कुछ मालूम रहता नहीं तो वो इंटरेस्ट ले लेते हैं। जैसे कि संभाजी महाराज का नाम अगर उस मुख्यालय को लगता है तो
तो आने वाली पीढ़ी में मेरे नाथ होंगे, मेरे बच्चे होंगे, मेरे सब पूछेंगे कि ये कौन थे, तो तब उसको इंटरेस्ट आएगा और वो उनको पढ़ने लगेगा। जब उनको पढ़ने लगेगा तब उनको मालूम पड़ेगा कि इतिहास के लिए जब हमारे लिए उन्होंने क्या काम किया। मैं ताई का अभिनंदन करूँगा, आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने एक अच्छा नाम महानगर पालिका के मुख्यालय को सूचित किया है। अभी जो मुख्यालय का नाम देने का उन्होंने जो मांग की है या प्रस्ताव रखा है सरकार के पास, एक अच्छी बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का तो सबको इतिहास पता है, इसके वजह से छत्रपति संभाजी महाराज का एक इतिहास सबको पता चलेगा, और इन्होंने जो मांग की है वो अच्छी है और हमको उनका पूरा समर्थन है। मैं इतना ही बताऊंगा, धर्मवीर संभाजी महाराज का जो मालिका टीवी पे चल रहा था उसे तो लोगों को मालूम पड़ गया है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए अगर किधर नाम होता है तो लोग अरे धर्मवीर संभाजी महाराज का नाम है, चलो इनका इतिहास पढ़ेंगे, या उधर बड़ा लाइब्रेरी बन जाएगा, तो निश्चित तौर से उनका इतिहास अच्छी तरह से लोगों को मालूम पड़ जाएगा। मुख्यालय जो बना हुआ है वो मेरे ख्याल से भारत का एक नंबर का मुख्यालय है, तो ऐसे अगर वास्तु को सिर्फ मुख्यालय हम लोग अगर कहे तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन वो मुख्यालय को हम लोग किसी सम्मानित व्यक्ति का नाम अगर रखे, और संभाजी महाराज ये एक फाइनेस्ट किंग करके माने जाते हैं, जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने किया है हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, इसके लिए उनको धर्मवीर कहते हैं। और ऐसे इंसान का नाम अगर हम वास्तु को नहीं दे सकते तो हमारे जैसे कोई भी दुर्दैवी इंसान कोई इस धरती पे नहीं होगा, ऐसा अपना मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।